कोई भी टूल सेलेक्ट हो, कंट्रोल दबाकर आप पॉइंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब तक कंट्रोल दबा रहेगा उस वक्त तक हमारे पास पॉइंटर सेलेक्ट रहेगा। ये देखिए पॉइंटर सेलेक्ट हो गया कंट्रोल दबाने से। दोबारा एक सर्कल लगाया और कंट्रोल दबाकर पॉइंटर सेलेक्ट किया और इसे मूव किया। ये देखिए हमारे पास लाइन का टूल सेलेक्ट है, कंट्रोल दबाकर हमने पॉइंटर सेलेक्ट किया और इसे मूव किया। बिल्कुल इसी तरह जब आप स्पेस बार दबाएंगे तो आपके पास हैंड टूल सेलेक्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप पेज को ड्रैग करके अपनी मर्जी के मुताबिक आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जब तक स्पेस बार को दबा के रखेंगे आपके पास हैंड टूल सेलेक्ट रहेगा। सेम इसी तरह कंट्रोल और स्पेस बार को दबाने से आपके पास जूम इन का टूल सेलेक्ट हो जाएगा, आप चीज़ों को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। कंट्रोल और स्पेस बार को दबाकर आप जूम इन कर सकते हैं, देखें चीज़ें बड़ी होती दिखाई दे रही हैं। और साथ अल्टर को दबाकर आप जूम आउट कर सकते हैं, ये देखें चीज़ें छोटी हो रही हैं। और अल्टर को छोड़ दिया, कंट्रोल और स्पेस बार, ये फिर जूम आउट, ये जूम इन किया। इन शॉर्ट कीज की मदद से आप काम बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं।